राजधानी पटना में बस से सवारी करने वाले यात्रियों को अब एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब पटना की सड़कों पर 75 नई CNG बसें चलने वाली हैं। इसको लेकर रूट मैप भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें AC और नॉन AC बसें दोनों शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संचालित बस सेवा में से 75 नई CNG बसों को शामिल किया गया है। इनमें 25 AC और 50 नॉन AC बसें शामिल हैं। अब इन्हीं 75 नई बसों में से कुल 61 बसों को सिटी बस सेवा में शामिल किया गया है, जिसमें 21 AC और 40 नॉन AC बसें हैं। बसों का परिचालन शुरू होने से नगर सेवा की बसों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। इनमें 120 CNG और 25 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल हैं। इसके अलावा बची हुई बसों को लॉन्ग रूट में शामिल किया गया है। इनमें 4 AC और 10 नॉन AC बसें हैं। शामिल होने से लंबी रूट की कुल बसों की संख्या बढ़कर 455 हो गई है। इनमें 6 AC और 449 नॉन AC बसें हैं। BSRTC के फ्लिट की कुल बसों की संख्या अब 894 हो गई है, जिनमें 600 उसकी अपने बसें हैं और 294 PPP मोड पर चलने वाली बसें हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना में इन नई बसों के आ जाने से सिटी बस सेवा पूरी तरह से डीजल मुक्त हो गई है। इन नई बसों के सिटी बस सेवा के बेड़े में शामिल होने के साथ ही 50 डीजल बसों को सिटी बस सेवा से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पटना में पर्यावरण प्रदूषण का स्तर भी काफी कम होगा। ये बसें पहले से राजधानी पटना में निर्धारित रूटों पर चलेंगी। इधर इन नई बसों की आने की सूचना मिलने के बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों ने परिवहन मंत्री शीला मंडल से मुलाकात कर विद्यार्थियों को होने वाले यातायात की समस्या अवगत कराया। इसके साथ ही छात्रों के हित में फ्री बस सेवा शुरू करने की भी मांग की गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोकावास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।